अपने संसाधन तत्व में इंद्रिय शिक्षण या सेंस ट्रेनिंग कैसे दी जाती है बच्चों को, इसके बारे में हम लेक्चर करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत से स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं गूगल मीट के माध्यम से। तो हम अपना ये आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम बच्चों आप लोगों को सेंस ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। सेंस ट्रेनिंग मतलब इंद्रिय प्रशिक्षण, वो इसलिए दी जाती है कि जिन बच्चों की जो इंद्रिय सही नहीं होती है, मान लीजिए जैसे ब्लाइंड है, तो वो जो है देखेगा नहीं, सुन के और स्पर्श करके ही चीजों को महसूस करेगा और जानेगा। या हेयरिंग इम्पेयर्ड है तो वो सुनेगा नहीं, वो देख करके महसूस करके ही चीजों को सीखेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम आज सेंस ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों ये क्या है, कीरा है, ये कीरे का मॉडल है। और ये देखिए कीरा, ये क्या है, एप्पल यानी सेब, कीरे की सेब चार्ट लेफ्ट चार्ट पे भी है। ये क्या है, ग्रेप्स। ये क्या है, मैंगो। ये क्या है, वाटरमेलन। अच्छा, ये हमारे बच्चे जो हैं वो आपको बोल के बता रहे हैं। जब चाई बच्चे बैठे होंगे, ठीक है, हेयरिंग इम्पेयर बच्चे बैठे होंगे, तो वो अपने इशारों से या अपने जो भी उनकी जो लैंग्वेज है अनडेवलप्ड है कम डेवलप्ड है उसमें वो बताते हैं, इशारा करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए आम है तो ऐसे ऐसे करके बताएंगे, खरबूजा तो ऐसे ऐसे करके बताएंगे, और वो उसका मिलान करेंगे, हम उनसे मिलान करवाएंगे। यानी उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो चीज़ हमारे सामने मॉडल में है वही चीज़ इस फ्लैश कार्ड पे है, सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसा आप लोग लेसन लिखते होंगे तो उसमें प्रीवियस नॉलेज होता है, पूर्व ज्ञान, बच्चा पहले से कितना जानता है। नॉर्मल एजुकेशन की तरह जाके हम लोग नहीं शुरू होते हैं, जब लेसन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसकी प्री नॉलेज देखते हैं कि जो हम चीज़ बताने जा रहे हैं उसमें पहले से बच्चा क्या जानता है। तो बच्चा आम को सेब के मॉडल को देख के पहचान रहा है कि इसको सेब कहते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं बता पा रहा है तो इशारों में बताएगा और वो मिलान कर ले, तो ये तो प्री नॉलेज हो गया।